नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं, भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करते रहते हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसी तलाश में आप पहुंचिए जन मीडिया की टीम आज यमुना बिहार में प्रमोद गुप्ता जी के पास, जो कि यहाँ से निगम पार्षद हैं। और वो कोरोना काल में अभी कोविड से पूरा विश्व जूझ रहा है, आप देख ही रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों की समाज सेवा की है, किस तरीके से की उनसे जानेंगे। सर, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। आपके दर्शकों को, सभी को आपके माध्यम से नमस्कार। जैसे कि हमारा देश कोविड से परेशान है, इस कोरोना काल में किस तरीके से आपने लोगों की हेल्प की? सुनने में आया कि काफ़ी मदद की आपने भी इस समय। देखिए, देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना की महामारी से निपटा हुआ है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने कोरोना से बहुत मजबूती से लोहा लिया है। मगर समाज में बड़ी पीड़ाएँ रहीं, कष्ट रहा। हम जिस प्रकार से भी लोगों की सहायता कर सकते थे, मैंने सबसे पहले तो बीड़ा उठाया कि मेरे क्षेत्र में संक्रमण और ना फैले, उसके लिए मैंने सैनिटाइजेशन के कार्य को बड़ी प्राथमिकता दी। मैंने हर गली, हर घर, मेरे वार्ड के अंदर शायद कोई ऐसा घर रहता होगा जिसको मैंने पूरे एक महीने, डेढ़ महीने के कार्यकाल में 6 से 7 बार कम से कम उस घर को पूरा आगे से पीछे से सैनिटाइज ना कराया हो, शायद ही कोई ऐसा बचा हो। मैंने निगम के माध्यम से भी, इसके अलावा अपने व्यक्तिगत माध्यम से भी 1-2 गाड़ी बनाकर जगह जगह जाकर पहुंचकर और स्वयं साथ में रहकर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया। इसके अलावा जब कोरोना थोड़ा कम हुआ, लॉकडाउन खुलने की स्थिति आई, तो मैंने उन लोगों का बुलाकर सम्मान किया जो लोग समाज के अंदर अपनी जान की चिंता ना करते हुए लोगों की मदद के लिए आगे आए, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस, जिसे हम सम्मान के साथ कहते हैं दिल की पुलिस, ऐसे दिल्ली पुलिस के जवानों को भी हमने बुलाकर सम्मानित किया। इसके अंदर डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थकर्मी, जो अपनी जान की, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए लोगों की जिन्होंने सेवा की है, उन लोगों को बुलाकर सम्मानित किया। चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर थे, वैक्सीन लगाने वाले थे, इसके अलावा जो प्राइवेट हमारे यहाँ जितने भी कोविड सेंटर्स थे उन सभी के लोग थे। इसके अलावा हमने MCD के कर्मी, जिन्होंने एक दिन की भी छुट्टी ना करते हुए साफ सफाई व्यवस्था को बनाए रखा, PWD के वर्कर, दिल्ली सरकार के लोग, और साथ साथ एक बड़ा अहम पक्ष रहा जिसमें मीडिया के लोग भी रहे, उन सबको, ऐसे लगभग 250 लोगों को एक कार्यक्रम के माध्यम से हमने सम्मानित किया, एक सर्टिफिकेट दिया, उनको एक छोटी सी किट का भी वितरण किया जो उनके इम्यूनिटी को, उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी थी। इसके बाद जैसी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि समाज में हर वर्ग सक्षम नहीं है, हर आदमी अलग अलग तरह से अफेक्टेड है, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गरीब थे, बेसहारा थे, जिनके रोजगार चले गए, उनको अपने मजबूती, अपनी मेहनत के दम पर खाने कमाने वाले लोग थे, मगर दुर्भाग्यवश वो काम नहीं कर पा रहे, दिहाड़ी मजदूर हैं, छोटे छोटे बाजार लगाते हैं, रेड़ी लगाते हैं, पटरी लगाते हैं, तो भोजन तक के लिए परेशान हो गए। तो अपना कर्तव्य समझते हुए मैंने लगातार 3-4 कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को 350 किट राशन की, जिसके अंदर आटा, दाल, चावल, मसाले, तेल, घी, साबुन, घर की जरूरत की सब चीज़ें बांटी। और इसके अलावा निरंतर मैं रोज़ाना, आज भी जो भी आवश्यकता जिसको लगती है मेरे पास आता है या मुझे पता लगता है, तो मैं स्वयं उसके घर जाकर उसको राशन की किट उपलब्ध कराता हूँ, और समाज में एक सहयोग का हाथ बढ़ाने की गिलहरी जैसी चेष्टा है। क्योंकि जब मुसीबत आती है तो हम सबको मिलजुल कर उसका मुकाबला करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और उसी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। सर, वैक्सीनेशन की आपके वार्ड में किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप, और कितनी व्यवस्था है, कहाँ कहाँ लोग आसानी से लगवा सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर दिल्ली सरकार के माध्यम से भी चल रहे हैं, नगर निगम के भी चल रहे हैं, और इसके अलावा अब तो जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन के माध्यम से भी लगातार वैक्सीन हमारे यहाँ चल रही है। और आज भी मेरे यहाँ पर अभी भी वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं, और मैंने स्वयं जाकर वैक्सीन सेंटर पर लोगों को प्रमोट करने के लिए, हम अप्रैल से काम को कर रहे हैं, हम जाते हैं वहाँ पर अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, वहाँ जाकर जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं उनको कुछ फ्रूटी देकर, कुछ फल देकर, कुछ माला डालकर, किसी प्रकार से उनको सम्मानित करके प्रमोट करने का काम करते हैं कि समाज के बीच में जाएं और लोगों को भी वैक्सीन भेजें। क्योंकि मेरा मानना है कि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन एक बहुत कारगर उपाय है। जब तक पूरा देश वैक्सीनेट होगा, हर्ड इम्यूनिटी नहीं मिलेगी और हम इस कोरोना से पूरी तरह से नहीं लड़ पाएंगे। चलते चलते सर, देश के वासियों को, जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, और कोई भी सरकार इस तरह की महामारी से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम सबको मिलजुल कर सरकार के साथ खड़ा रहना होगा, तभी जाकर हम इस महामारी से जीत सकते हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो अपने घर से बाहर ना निकलें, सरकार के दिए नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, नमस्कार। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान, फिर आऊँगा नई आवाज़ के साथ, नई पहचान के साथ, देखना ना भूलें, फेस टू फेस।